हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर जो है मोशन राइट right, वो ख़त्म कर लिया है like लाइक हमने सब कुछ स्टडी कर लिया है हमने उसके अंदर जो भी नेसेसरी चीज़ें थी स्टडी करने के लिए वो हमने स्टडी कर लिया बेसिकली एंड राइट और हमने क्या क्या कि चीज के अंदर स्टडी आर्ट किया है हम लोगों ने रिविजन पर तो किया था हम लोगों ने क्या किया है सारे ग्राफ्स देखे हैं क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये सब देखें राइट right? उस किस किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से एक्सेरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखी राइट नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि कभी भी हम लोग जैसे क्वेश्चन uh, को सॉल्व करते हैं राइट right? तो हम लोग को पता नहीं चलता कि व्हाट शुड वी डू फॉर दैट राइट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें राइट right? तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने आज का सेशन रखा है दैट इज़ दी प्रैक्टिस सेशन इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं और राइट तरह तरह के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज पर कई तो सिर्फ सिंपल स्पीड के फार्मूला पर भी डिपेंड है तो बेसिकली हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्या नेसेसरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब

राइट नाउ यू कैन सी दिस इज right ऑलराइट एंड दिस टीम इज टोटली डूइंग वेरी मच work फॉर यू ऑल सो दैट आप लोग अपने जितने भी गोल्स जो है आपने सेट किए हैं खुद के लिए ऑलराइट right, जिनके लिए सिर्फ सपने देखे हैं आपने तो बेसिकली उन सभी जो स्कूल से रिलेटेड एग्जामिनेशनस हैं ओलम्पियाड रिलेटेड जो भी हैं राइट right? उन सभी को आप क्रैक कर सकते हो जस्ट बाय स्टर्डिंग फ्रॉम अस और राइट बिकॉज वी आर डूइंग मच हार्ड वर्क राइट वी आर वेरी मच यू नो कलेक्टिंग ऑल द थिंग्स फॉर यू ऑल ताकि आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से हम रूबरू करा सकें दैट किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है राइट तो बेसिकली ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर हो सके और राइट सो बेसिकली आप कुछ भी जो है आपको अगर डाउट लगता है फॉर एनी थिंग यू कैन डेफिनेटली राइट इट आउट इन दी कमेंट सेक्शन सो इट वुड बी ऑल गुड राइट एंड द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट जो कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ वो ये कि भाई हम लोगों ने आप लोगों की हेल्प के लिए जो है कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं एंड वी कॉल दैम पैकेजेस और राइट यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट टॉकिंग टेक्सट बुक्स डॉट इन टू एक्सेज दो पैकेजेस और राइट देर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस नंबर वन इज़ द फुल पैकेज इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा राइट इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव एंडर रिकॉर्डेड लाइक उसके बाद आपको होमवर्क सबमिशन फीचर मिलेगा दट मीन्स दैट यू विल भी सबमिटिंग योर होमवर्क एंड वील बी चैकिंग दैट Uh, उसके बाद आपको बाई वीकली क्विजेज जो है फीचर मिलेगा वे यू विल बी टेस्टेड ट्वाइस अ वीक और राइट एंड देन यू विल बी गेटिंग द पीरियडिक टेस्ट पेपर सो बेसिकली आपको ये सभी चीज़ें फुल पैकेज में मिलेंगी एंड दिस दीज ऑल सच थिंग्स कैन बी प्रूव्ड एज अ गाइड टू यू ऑल राइट एंड वी डू गाइड यू फॉर एवरी थिंग यू नीड टू नो अबाउट दीज एग्जामिनेशन राइट नेक्स्ट इज द टेस्ट सीरीज पैकेज और राइट एंड इसके अंदर सिर्फ टेस्टिंग होगा लाइक यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज just for the reference, alright, and then you will be getting the bi-weekly quizzes and the periodic test papers. So basically, a testing system would be there in the test series. So you can join any of them according to your choice, according to your need. Alright. If you want any DPP or study material, you can write the code. CYLIVE. If you write this code, then you will be getting how much discount? 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in all right and that is very much beneficial for you all even if you have any query regarding anything like kis the ke packages hain kya hain kyun help if you want any of the things you can definitely call us on a number and that is 919549041111 all right so basically you have to call on that number and all your queries will be resolved over there all right and we will be helping you over there too Right now, let's start the lecture. And this would be the Olympiad level question lecture. Alright, now it's time for the promise. Promise yourself that you will be watching the whole lecture. You will be solving all the questions on your own and then checking for the solution on the screen, right? And then you will be revising on a daily basis. That's all you need to promise to yourself today. Alright, I won't start cutting. So this is the question number one. Alright. Oh no. Ahi

कान ये तीनों चीज़ें खुली रखिए दिमाग को भी खुला रखना बहुत ज़रूरी है बेसिकली तो आप इन चारों चीज़ों को जो है खुला रखिए एंड आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए सो so, देखो ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन था और ईजिएस्ट भी क्यों बोला गया बिकॉज़ इसके अंदर एक बहुत ही सिली सी चीज़ आपको पूछा गया है आपको सिंपली पूछा गया है कि अ पार्टिकल शोज अ वैल्यू ऑफ़ फोर्टी मीटर पर सेकेंड वॉट कैन इट बी नाव आपको सिर्फ यही पूछा है कि वो क्या हो सकती है राइट right. अब वो क्या हो सकती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा यूनिट पे डिपेंड करेगा राइट right? ये जो नंबर है ना ये किसी काम का नहीं है अगर हमें पता करना हो कि भाई ये वैल्यू किस किस क्वांटिटी की है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है कोई फायदा नहीं है वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा आपको हेल्प कौन करेगा दिस यूनिट और राइट ऑब्जर्व दिस यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड एंड वी डू नो भाई कि भाई जो मीटर पर सेकेंड है वो किसकी होती है स्पीड की होती है राइट या फिर वेलोसिटी की होती है तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो दे हैज टू बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और राइट तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन और राइट तो बेसिकली दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व वैसे सॉल्व करने को कुछ था ही नहीं आपको तो सिर्फ सिंपल समझना था राइट नॉलेज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एंड यहां पे आता है आपका कैलकुलेशन पार्ट सो डू इट कैलकुलेटेड एंड गिविंग यू इलेवन सेकंड ठीक है शबन के इलेवन सेकेंड्स एंड देन वील बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद मी राइट सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट जस्ट कंसेंट्रेट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट केयरफुली ठीक है इसको बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना होगा एंड uh, इसे बोला जा रहा है भाई कि अ कार कवर्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट थर्टी किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ़ फोर्टी किलोमीटर पर आवर फाइन द टोटल टाइम टेकन सो मच ईजी इज़ राइट बहुत 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 ईजी है ये नॉलेस डू इट देखते हैं क्या होता है अब देखेंगे फर्स्ट वाला जो केस है अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है थर्टी किलोमीटर जो है डिस्टेंस है और राइट डिस्टेंस इज़ थर्टी किलोमीटर एंड द यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कॉन्स्टेंट स्पीड क्या है जिसको हम वी लिख देते हैं ठीक है वो क्या है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर नाउ पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ही यू मस्ट नोट आउट कि भाई जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सबके सब मिनट्स सब में दिए हुए हैं right? राइट तो आपको आर से कोई मतलब नहीं है देट्स वाई यू हैव टू कन्वर्ट द स्पीड इन मिनट्स ठीक है तो आप में स्पीड जो किलोमीटर पर आवर दी हुई है इन लेट्स कन्वर्ट दैट इन टू मिनट तो इट वुड बी 60 बाय 60 किलोमीटर पर मिनट और राइट सिक्सटी से सिक्सटी कैंसिल तो इट वुड बी वन किलोमीटर पर मिनट और राइट नाउ कैलकुलेट द टाइम वन वुड बी हाउ मच वन वुड बी द डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना है हमारा थर्टी स्पीड कितना है वन किलोमीटर पर मिनट और राइट तो इसमें हम सिंपली लिख देंगे दैट वुड बी थर्टी मिनट्स और राइट तो दैट्स आर टाइम फॉर द फर्स्ट जर्नी राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन सेकेंड वन में क्या हुआ है नेक्स्ट थर्टी किलोमीटर तो यहाँ पे वापस से डिस्टेंस जो है वो थर्टी किलोमीटर आ जाएगा और राइट थर्टी किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर द स्पीड इज फोर्टी तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं वापस से वी का वैल्यू लिखने वाले हैं फोर्टी किलोमीटर पर आवर All right. Now we need to convert it into kilometer per minute. All right. So we will be writing forty kilometer divided by sixty per minute. All right. That's how we are going to change it. Now we simply what to Time calculate. Karna. Let's do that. Time calculate. Ke I would be writing uh, distance divided by the speed, and that is forty by sixty. That's what I will be doing. Thirty multiplied by sixty into forty that's what i'm going to do alright so that would be it right now we will solve it. 0 so mm -hmm. 0 cancel alright yeah we can say that 2 15s are 30 and 2 3s are 6 so it should be 45 so they, they will be 45 minutes. now let me tell you one thing that whenever you get a fraction in the denominator jab you have denominator by fraction in the denominator. what you have to do is आपको सबसे पहले डिनोमिनेट को रेसिप्रोकल करना है इसका मतलब इसको सिक्सटी अपॉन फोर्टी लिखना है एंड आपको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना यानी थर्टी से मल्टीप्लाई कर देना मैंने यही किया था देखो थर्टी मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी अपॉन फोर्टी यानी डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो और राइट नाव द टाइम इज द फोर्टी फाइव मिनट्स नाउ वी हैव टू नो द टोटल टाइम एंड फॉर दैट वी हैव टू एट बोथ द टाइम्स सो द टोटल टाइम वुड बी टी वन प्लस टी टू

All right, now नाउ लेट्स मूव ऑन टू question नंबर थर्ड एंड दैट इज दिस All right, अब आपको क्या करना है displacement पता करना है वैसे तो जस्ट डू it. 11 seconds मैंने आपको दिए All right, अब आप फटाफट से जो है इसको ट्राई करने की कोशिश करो एंड डू द work. और राइट सो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और वो भी तब जब आपको काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है ऑल रेडी तो देखो अभी आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले तो देख लेते हैं सो so, आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी और राइट एंड आपको गिवन है एसेलरेशन यूनिफॉर्म एसेलरेशन एंड यूनिफॉर्म स्टैंड फॉर द कॉन्स्टेंट राइट तो इसका मतलब ये एसेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट एसेलरेशन है तो और उसके बाद हमें दिया हुआ है टाइम तो बेसिकली हमारे पास इनिशियल विलोसिटी है यू दैट इज फाइव मीटर पर सेकेंड फिर हमारे पास है कॉन्स्टेंट एसेलरेशन ए दैट इज माइनस का टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायेर और राइट एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट फोर सेकेंड एंड यू हैव टाइम और राइट तो यू हैव टाइम ना ऑल यू नीड टू नो द इक्वेशन जिसके अंदर ये तीनों आते हो बेसिकली आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए एक्सिलेशन चाहिए टाइम चाहिए और आपको क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको जो मिलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व होनी चाहिए और ऐसा सिर्फ एक ही इक्वेशन है एंड दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् राइट तो आप क्या करने वाले हैं सिंपली वैल्यू पुट करो एंड दैट्स इट और राइट टाइम हो गया है फोर ठीक है माइनस आ जाएगा हाफ टू पॉइंट फाइव इंटू फोर का स्क्वायर और राइट तो इट वुड बी लाइक ट्वेंटी राइट फाइव फोर जो ट्वेंटी एंड यहां पर एक कैंसिल हो जाएगा तो एट इंटू टू पॉइंट फाइव एंड एट इंटू टू पॉइंट फाइव विल्वेंटी इट शुड नॉट बी मल्टीप्लाई राइट अभी देखते हैं ठीक है यहां पे देखो टू पॉइंट फाइव इंटू एट आ रहा है फोर टू जो एट एंड देर इज ट्वेंटी फाइव टू पॉइंट फाइव इंटू एट दैट वुड बी ट्वेंटी राइट तो इट वुड बी जीरो दैट मीन जी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज 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 एज यू कैन सी एज यू कैन सी नेगेटिव. राइट तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जीरो आ गया हैथ वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट और तो आपको सिर्फ ये पता करना था दिथ इक्वेशन शुड बी यूज राइट बेसिकली सिर्फ यही पता करना था और उसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था सिर्फ सिंपली पुट द वैल्यूज एंड डू यर प्रॉब्लम ठीक है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं And this is the next question. Oh no! abhi main aapko batati hu which one is the next question? This is the next question. All right? तो so, let's do it. आपको शगुन के 11 जो हैं मिले हैं minutes. All right? तो so, इसके अंदर आपको simple, 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 simple कैलकुलेशन करनी बहुत इजी कैलकुलेशन करनी है right, और ये पूरा जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपको पहले तो उसको स्टडी करना है ठीक है क्योंकि अब आपका टाइम खत्म हो चुका है एंड आई वांट टू से इट डैन की इस डिस्टेंस की जगह पे आप क्या करें आप स्पीड कैलकुलेट करें ठीक है आप स्पीड कैलकुलेट करें बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि डिस्टेंस से तो हमारे ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे तो डिस्टेंस की जगह पे क्या करने वाले हैं हम लोग स्पीड को कैलकुलेट करने वाले हैं अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड तो सबसे पहले तो हम एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं दिस इज द सर्कुलर पाथ और इसका जो डायमीटर है दैट इज़ टेन सेंटीमीटर नॉट द डायमीटर सेंटीमीटर है और रेडियस राइट रेडियस इज द टेन सेंटीमीटर और राइट और कॉन्स्टेंट स्पीड से ही इंसेक्ट मूव कर रहा है ठीक है इफ इट टेक्स वन मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट देन व्हाट इज द स्पीड इट ट्रेवल्स एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट रिस्पेक्टिवली अब देखो यहाँ पे मेन बात क्या है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद जो इंसेक्ट है वो दूसरे पॉइंट पे जाता है लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट पे जाता है राइट right? तो मानो कि अगर उसने यहां से स्टार्टिंग किया है तो इट विल मूव लाइक दिस इस पाथ पे वो मूव करेगा ऐसे करके मूव करेगा एंड इट विल रीच देयर और तो मतलब अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो इट विल बी रीचिंग एट बी और राइट तो अब मुझे बताओ व्हाट वुड बी द डिस्टेंस डिस्टेंस बिकॉज हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है दैट्स वॉय वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस राइट तो जो डिस्टेंस है जो हमको कैलकुलेट करना है वॉट इज दैट जो टोटल पाथ उसने इंसेक्ट ने कवर किया है राइट एंड वी डू नो कि सर्कुलर पाथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं टू पाई आर ऑल राइट तो इट वुड बी राइट टू पाई आर डिवाइडेड बाय टू वाई आर डिवाइडेड बाई टू क्योंकि हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं उसने सिर्फ हाफ सर्कल को कवर अप किया है ठीक है सो वी आर डूइंग दैट नाउ आई एम राइटिंग पाई आर ऑल राइट एंड सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज थ्री पॉइंट वन फोर एंड रेडियस इज टेन सेंटीमीटर सो आई एम राइटिंग थर्टी वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द इंसेट नाउलेट कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट में हमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू चाहिए होती है और राइट right. तो अगर ए से स्टार्ट किया है एंड इट रीचिज इट बी तो वट इज़ द मिनिम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट एंड वॉट इज दैट दिस इज द डिस्टेंस लाइक दिस ए बी एंड वॉट इज दिस ए बी दिस ए बी इज द टू आर ट्वाइस ऑफ रेडियस राइट तो दिस इज हाउ मच टू आर तो आई वुड बी राइटिंग टू इन टू टेन सेंटीमीटर यानी कि ट्वेंटी सेंटीमीटर और राइट अब हम क्या करते हैं स्पीड और विलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वॉट डिट बी द स्पीड स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस कितना है थर्टी वन पॉइंट वन फोर सेंटीमीटर एंड टेल मी क्या उसने टाइम दिया है बिल्कुल दिया है इसे दिया है इफ इट टेक्स वन मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट टू द पाथ मतलब उसने इस पूरे जर्नी में वन मिनट का टाइम लिया है तो वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय वन मिनट सो इफ आई एम राइटिंग द स्पीड तो आई वुड बी राइटिंग थर्टी वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर पर मिनट ऑल राइट एंड लेट्स टॉक अबाउट द वलॉसिटी राइट एज आई कैन सी हेयर ऑप्शन के अंदर जो पहला वाला नंबर दिया है दैट इज सेंटीमीटर पर मिनट एंड दैट्स वाई आई कैलकुलेटेड द स्पीड इन सेंटीमीटर पर मिनट नाउ यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट भी दिया है और सेंटीमीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है दैट्स वाई आई हैव टू कैलकुलेट वेरी मच इन अ कंसाइज वे फॉर द स्पीड राइट तो अब फॉर वेलासिटी सो अगर अब मैं अभी विलोसिटी को कैलकुलेट करती हूँ तो दैट वुड बी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हाउ मच 20 डिवाइडेड बाय वाट देखो पूरा का पूरा सर्कल जाने में वन मिनट लगा दैट मीन्स 60 सेकेंड्स उसको लगे राइट right? तो आई एम राइटिंग हेअर 60 बिकॉज आई कैन सी दैट 20 सेंटीमीटर पर मिनट हो सकता था ये ऑप्शन राइट ए ऑप्शन हो सकता था लेकिन ये नहीं होगा बिकॉज उसमें स्पीड का वैल्यू डिफरेंट हो गया राइट right? अब अगर स्पीड का वैल्यू इन चारों में से हमने बी ऑप्शन लिया है एंड दैट इज़ फॉर सेकेंड अब बेलॉस्टी सेकेंड में आ रहा है दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट इट इन सेकेंड्स तो हम इसको जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर देते हैं एंड दैट इज वन बाई थ्री नाउ टेल मी वॉट इज वन बाई थ्री इट इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री और राइट तो इट शुड बी जीरो पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू चेक ऑन बी ऑप्शन राइट अब आपको ध्यान में रखना है दैट आप खुद से देखो स्पीड के सारे के सारे जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर पर मिनट सेंटीमीटर पर मिनट है राइट right? तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि स्पीड के लिए तो हमें सेंटीमीटर पर मिनट ही चाहिए स्पीड ठीक है हम उसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा right? और राइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी के लिए कि अगर आपको देखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर पर मिनट कैलकुलेट करना है या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करना है आपके पास दो चॉइसिस हैं लेकिन क्योंकि अब हमें स्पीड का वैल्यू पहले मिल गया और वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया है तो हम ट्राई करेंगे कि जो सेकेंड वाला वैल्यू हो वो सी के साथ का हो ताकि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए राइट सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन राइट right, तो अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए एंड विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव right, now नाउ लेट्स मूव ऑन टू question नंबर five. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर five. ठीक है तो मैं अभी आपको जो है वापस से जो है 11 सेकंड दे रही हूँ दिस इज ईजी और सभी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं और right. सब ट्राई कीजिए ठीक है तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज फोर सेंटीमीटर पहले ही तुम्हें उसका लेंथ दे दिया तो लेट्स मेक अ क्लॉक फर्स्ट दिस इज द क्लॉक ऑल राइट दिस इज नॉट अ क्लॉक बट ठीक है मान लो तुम इसको क्लॉक ठीक है यहाँ पे जो है दिस वुड बी द यू कैन सी दिस टाइम इंटरवल जो कि गिवन है फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर ऑब्वियसली क्योंकि जब टाइम कितना हो जाएगा? से PM हो जाएगा जाएगा, से तो सी बात है minute hand का length में कोई चेंज नहीं आएगा राइट तो इसका मतलब यहां पर जो लेंथ था वो ही जो है थ्री थर्टी पर भी होगा ठीक है एंड देखो इसके अंदर हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड और अब देखो ध्यान से कि हमको क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए अब वो जो मिनट uh, हैंड है वो कैसे मूव करेगी वो यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ तक पहुँचेगी राइट right? तो जो टिप होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा इनिशियल पॉइंट दैट इज आई कैन से ए फाइनल पॉइंट दैट इज बी राइट तो ए से बी तक जाने में जो उसको लगा है उसका जितना पोजीशन चेंज हुआ है दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट राइट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट अब इसके जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ठीक है अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो हमको ये बताती है दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अब आप देखो दिस इज दैपीटनेस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट और राइट एंड दिस इज यू एनी एनी दीज ऑफ थिंग कैन बी एनी लेंथ कैन बी द बेस और कैन बी परपेंडिकुलर बिकॉज दोनों सेम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट तो हमें तो सिंपली एच का जो है वो चाहिए एंड दैट कैन बी फोर का स्क्वायर स्क्वाइट प्लस फोर का स्क्वायर सो इट वुड बी अंडर रूट एट प्लस एट नहीं नहीं सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन राइट तो बेसिकली इट वुड बी सिक्सटीन रूट टू ठीक है तो इट शुड बी सिक्सटीन रूट टू ठीक है इट वुड बी टू इंटू सिक्सटीन एच का स्क्वायर एंड दैट्स हाउ इट वुड बी रूट टू इन टू सिक्सटीन अब अब देखो ये जो सिक्सटीन है ये फोर का स्क्वायर होता है तो फोर का स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा एंड सिर्फ फोर बाहर बचेगा लेकिन टू के पास कोई स्क्वायर नहीं है और टू किसी का स्क्वायर नहीं होता देचवाई वो अंडर रूट में ही रहेगा सो फोर रूट टू सेंटीमीटर वुड बी द डिस्प्लेसमेंट राइट तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है और देखेंगे इसकी वजह से हमारे तीन ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं ए बी एंड डी और तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से Now, let's talk about the average velocity. Average velocity क्या होता है Displacement, total displacement divided by the time taken, right? एवरेज विलोसिटी अब हमको पता है भाई ये है डिस्प्लेसमेंट तो आई वुड बी राइटिंग फोर रूट टू ठीक है डिस्प्लेसमेंट तो यह रहा वट इज द टाइम टाइम देखो क्योंकि मिनट हैंड थ्री फिफ्टीन से लेकर थ्री थर्टी तक पहुंची है तो इट कवर्स फिफ्टीन मिनट राइट फिफ्टीन मिनट्स उसका ड्यूरेशन है तो फिफ्टीन मिनट जो है इस पर कवरअप कर लिए लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट तो बेसिकली मुझको क्या करना पड़ेगा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा करना पड़ेगा दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद दी सिक्सटी राइट तो अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा सॉरी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो आई एम डूइंग दैट नाउ लेट्स डू दैट कि भाई हम इसको कैंसिल आउट कर देते तो फोर से कैंसिल होगा फोर वन जा फोर राइट तो एक्चुअली इट वुड बी हाउ मच ठीक है इट शुड बी फिफ्टीन राइट इट शुड बी फिफ्टीन ठीक है फोर वन से फोर फोर फाइव इट शुड भी रूट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड दैट्स वाई क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है ना? तो ऑप्शन ए right? तो जो है हमारा सही हो जाता है इसी वजह से बिकॉज हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है एंड पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन किया है ंग टू कैलकुलेट दी एवरेज विलोसिटी अब आप इसे फटाफट से नोट कर लें देन वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम करते हैं मूव ऑन टू द्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो कुछ इस तरीके का है ठीक है तो मैं आपको इलेवन सेकेंड्स देती हूँ ठीक है फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन अभी आप सभी इसको देखिए ध्यान से ठीक है क्या हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो वापस से एक सर्कुलर ट्रैक की बात हो रही है तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं ठीक है अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस वन मीटर और हमने उसको जो है वन मीटर का रेडियस भी बना दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द हाफ रिवॉल्यूशन ठीक है फापिस से वही वही बातें हो रही हैं तो देखेंगे जो डिस्टेंस है वो कितना हो रहा है हाफ रिवॉल्यूशन के अंदर इट वुड बी टू पाई आर बाई टू ठीक है तो इट शुड बी पाई आर ओनली अब क्योंकि हमको ये पता है कि रेडियस वन मीटर है तो आई शुड बी राइटिंग पाई मीटर ओनली ठीक है इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट अगर हम करते हैं तो हाफ रिवॉल्यूशन के अंदर लाइक दिस स्टार्ट यहां से हो रहा है ठीक है स्टार्ट यहां से हो रहा है एंड बिल्कुल यहां हो रहा है बिकॉज दिस इज द हाफ वन राइट तो बेसिकली दिस वुड बी द हाफ अब देखो यहां पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द टू आर ओनली राइट तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो क्या हुआ वो टू आर हो जाएगा सिर्फ तो इट दिस इज टू आर तो आई वुड बी राइट इन टू इन टू वन दैट इज टू मीटर ठीक है अब हमको सिंपल रेशियो निकालना है तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपल रिक देंगे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट और राइट एंड डिस्टेंस कितना है पाई और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है टू मीटर राइट तो बेसिकली पाई बाय टू इज द करेक्ट वन सो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट पर्सन मतलब करेक्ट ऑप्शन राइट पर्सन तो क्या बोले ठीक है तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया है अब अब फटाफट से जो है आप इसको नोट कर लो एंड देन वील मूव ऑन टू द्वेश्चन नंबर सेवन एंड मे बी इट इज इट शुड बी अ वेरी मच चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू ऑल चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है और जो सेवन क्वेश्चन मैंने तुम लोग के लिए सेट किया है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है सो so, मैं चाहती हूँ तुम पहले इसको ध्यान से पढ़ो ठीक है इसके अंदर एक ट्रिक छुपी हुई है वो आपको पहचाननी और क्वेश्चन सॉल्व करने में वो आपको हेल्प भी करेगा और राइट right, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई आउट करने की कोशिश करो बिल्कुल ध्यान से समझदारी से बिल्कुल आप करने की कोशिश करो एंड देन टेल मी कि भाई जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आया है ठीक है तो उसको आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में right, और राइट और क्या लिखोगे तो आप उसको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ठीक है अब मैं स्टार्ट करती हूँ देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बॉडी ट्रैवल करती है 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट टू सेकेंड मतलब पहले टू सेकेंड्स के अंदर वो 200 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रही है ठीक है एंड अब क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता है और मुझे टाइम पता है ठीक है तो डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस और टाइम तुम्हें एक ही इक्वेशन में क्या ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक ही इक्वेशन में डिस्टेंस और टाइम दोनों आता है राइट तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं देख लेते हैं कि लेट्स से जो डिस्टेंस है पहला डिस्टेंस है वो कितना है टू हंड्रेड सेंटीमीटर एंड पहला टाइम जो है वो कितना है टू सेकेंड्स ठीक है 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट फोर सेकेंड्स विद कांस्टेंट कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन और जो हमारा S2 है वो कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर ठीक है एंड चलो पहले इसी का कैलकुलेशन करते हैं ठीक है पहले तो सिर्फ सिंपल फर्स्ट वाले का ही कैलकुलेशन करते हैं लिखेंगे S1 वन इक्वल्स टू यू यू का वैल्यू हमें नहीं पता T1 का वैल्यू है टू ठीक है एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें नहीं पता और T1 का वैल्यू है टू तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं 200 हंड्रेड ऑल राइट यहाँ पर लिखेंगे 2u यू प्लस टू से टू एक क्या एक टू कैंसिल हो जाएगा तो इट वुड बी 2a अब इसमें 2 2 2 तो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो इट शुड बी u प्लस ए इज इक्वल्स टू हंड्रेड ठीक है ये हमको मिली है एक इक्वेशन ठीक है इसी तरीके से सिंपली इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को भी लेकर आएंगे ठीक है अब की बार देखो S2 जो अब गिवन इन्फॉर्मेशन है 220 सेंटीमीटर यानी हमारा सेकेंड फेज ठीक है हम इसको फर्स्ट बोल देते हैं ठीक है तो 220 सेंटीमीटर एंड इन द नेक्स्ट फोर सेकेंड्स यहाँ पे है T2 का वैल्यू अब मुझे ये बताओ तुम सभी कि जो T2 का वैल्यू होगा वो फोर होगा या फिर वो सिक्स होगा ठीक है ये चीज तुम लोग को ध्यान में रखनी है जो फोर बोलेगा ठीक है जो फोर बोलेगा उसका आंसर गलत आएगा बिल्कुल गलत आएगा जो सिक्स बोलेगा उसका आंसर सही आएगा बिकॉज आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी हम इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला इक्वेशन लगाते हैं तो इट कंसीडर्ड द होल जर्नी इन दो सेकेंड्स टी का वैल्यू जो भी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना एस इक्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् वो क्या बोलेगा कि भाई उसके अंदर पूरा का पूरा का जो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आ, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हम हम लोग का डिस्टेंस रहेगा वो इंक्लूड होगा ठीक है तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझनी होगी दैट टी टू का वैल्यू ऑफ फोर सेकंड्स भी यूज कर सकते हैं टी टू का वैल्यू ऑफ सिक्स सेकंड्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपने टी टू का वैल्यू सिक्स सेकंड यूज किया तो बिल्कुल सही आंसर आएगा एंड अगर फोर सेकंड यूज किया समझदारी दिखा के तो आपका आंसर हो गया है गलत और right, तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना होगा और राइट एंड आपको इसी तरीके से इस चीज का भी देखना पड़ेगा दैट क्योंकि स्टार्टिंग से बात हो रही है हम ये इक्वेशन को लगाते हैं जब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं ठीक है तो ये वो टाइम इंटरवल होता है ये टीम वो टाइम इंटरवल होता है जहां से स्टार्ट किया है जर्नी और राइट स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट इतने सेकेंड्स अगर मैं बोलूँ फाइव सेकेंड्स तो बिल्कुल जीरो से लेके फाइव तक ठीक है तो वो फाइव सेकेंड्स हो गया उन फर्स्ट फाइव सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हुआ राइट तो बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी क्योंकि वो पहले ही स्टार्ट कर चुका था ठीक है फर्स्ट टू सेकेंड्स एंड देन नेक्स्ट टू सो द टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा सिक्स सेकेंड्स होगा ठीक है तो इट वुड बी सिक्स सेकेंड अब क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो देखो टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो वो ऑलरेडी कवर कर चुका इसलिए हम क्या करेंगे टू हंड्रेड प्लस टू ट्वेंटी को लिखेंगे तो इट शुड बी हाउ मच इट शुड बी फोर ट्वेंटी ठीक है टू ट्वेंटी तो इट शुड बी हाउ मच फोर ट्वेंटी सेंटीमीटर अब हम लोग इसको करेंगे और अभी करेक्टली अप्लाई भी हो जाएगा ठीक है अब ये बहुत सही से अप्लाई भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ठीक है और ये हो गया है सिक्स का स्क्वायर ठीक है अब इस हम क्या करते हैं जितना कैलकुलेशन हमसे हो सके ठीक है उसको कैंसिल कर दे टू से टू कर दिया सिक्स थ्री शुड बी एटीन ए अब इसमें जो है सिक्स कॉमन आ रहा है तो लेट्स डू दैट सिक्स को हटा देते हैं ठीक है ठीके? 70 equals to u plus 3a. All right. So this is the second equation जो हमको मिली है. This is the second equation. Always remember, आपको यहाँ पे एक बहुत important चीज पता चली. Always remember, whenever you talk about the second equation of motion या फिर आप कुछ भी बात करें, तो उसमें ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. That जो time है, वो बिल्कुल journey का starting वाला time है. वहाँ से लेके जो अभी तक का टाइम बात कर रहे ठीक है फर्स्ट फोर सेकेंड्स फर्स्ट थ्री सेकेंड्स ऐसा राइट right? वो इंटरवल की बात नहीं करता जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो उसी तरह डिस्टेंस का भी वही है बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्टेंस आ रहा लेते हैं उसमें और राइट right, अब हम क्या करें देखो इक्वेशन वन है वो भी यूए के बीच में है इक्वेशन टू भी u और a के बीच में है एंड दीज आर द टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स राइट तो मैथमेटिकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं लेट्स डू इट हम यहाँ से क्या कर लेते हैं लेट मी चेंज द इंक और राइट यहाँ से हम क्या करते हैं a का वैल्यू ले लेते हैं a का वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा a इक्वल्स टू बन जाएगा हंड्रेड माइनस का u ठीक है और वो यहाँ पर पुट अप कर देते हैं हम लोग इसको फटाफट से तो हम लोग क्या करेंगे सेवेंटी इक्वल्स टू यू प्लस हंड्रेड माइनस यू ठीक है तो वो हंड्रेड माइनस का u हो जाएगा राइट तो इट शुड भी थ्री हंड्रेड माइनस का थ्री यू है ना सेवेंटी टू यू प्लस थ्री हंड्रेड माइनस का थ्री यू अब आप देखो ये माइनस का थ्री यू है और ये प्लस का u तो इट शुड बी माइनस का टू यू राइट उसी तरह हम क्या करेंगे माइनस को उधर भेजेंगे सेवेंटी को उधर लेकर आएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा अब टू यू इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड माइनस का सेवेंटी और राइट अब थ्री हंड्रेड में से माइनस का सेवेंटी करो कितना बचेगा टू थर्टी और राइट तो इट शुड बी टू थर्टी अब हम इसको यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं टू वन जो टू एंड वन वन फाइव तो यू का वैल्यू आ रहा है वन वन फाइव एंड लेट्स पुट फुटेड इन दैट वैल्यू तो हमारे पास एसिलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस uh, का फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट और ये 115 मीटर पर सेकेंड सो अब हमारे पास ए का वैल्यू है अब हमारे पास यू का वैल्यू है अब हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमें करना है देखो फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द सेवन सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट अब आप मुझे बताओ कि सेवन सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट की बात हो रही है ठीक है दैट्स वाई वी हैव ऑलवेज रिटर्न द इक्वेशन फ्रॉम द स्टार्ट राइट अब देखो अगर हमें पूरा का पूरा लिखना है तो वी शुड डेफिनेटली वेलोसिटी हमें बतानी है एट दी एंड यानी कि फाइनल वेलोसिटी और राइट तो वी वुड बी राइटिंग फाइनल वेलोसिटी एज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर और वी कैन राइट डेफिनेटली वी स्क्वायर यू स्क्वायेर प्लस टू ए एस राइट अब देखेंगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो हमें लिखनी है और हमारी इनिशियल वेलोसिटी वन वन फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है एसेलरेशन हमारा वैल्यू आ चुका है एस हमको डेफिनेटली पता है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द सेवन सेकेंड राइट अब मुझे एक बात बोलो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ठीक है यहाँ पर जो वेलोसिटी है एट द एंड ऑफ द सेवन सेकेंड बोला जा रहा है राइट सेवन सेकेंड्स तो हुआ ही नहीं टू प्लस सिक्स है एंड ऑफ द सेकेंड सेकेंड सेवेंथ सेकेंड एक्चुअली में वॉट यू नीड टू डू इज़ टू कैलकुलेट द थिंग्स राइट अब आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग इजिली ये पता कर सकते हैं अब क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें अगर इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई एक बार ठीक है अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल गया एक बार तो फिर हमें टाइम इंटरवल को तो देखने अगर यहाँ पे सेवेंथ की जगह पर ट्वेल्थ भी लिखा होता तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे कैसे कैलकुलेट कर सकते थे वो हम देखते हैं अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं ठीक है अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो इसमें डेफिनेट सी बात है एस हमें पता करना पड़ेगा कि उन सेवन सेकेंड्स के अंदर हमने एस कितना ट्रेवल किया राइट right? अब इसके बजाय अगर मैं v इक्वल्स टू यू प्लस इक्वेशन यूज करती हूँ तो u बिल्कुल सेम रहेगा इनिशियल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी एसिलरेशन कांस्टेंट है यू कैन सी हेयर कांस्टेंट एसिलरेशन ऑल टाइम का वैल्यू हम सेवन रख देंगे और सिंपली फाइनल वेलोसिटी लगा देते हैं और right. इसी तरीके से अगर सेवन की जगह पे ट्वेल्थ फिफ्टीन थर्टीथ ट्वेंटी एथ टू कुछ भी बोला होता ये वाला वैल्यू कुछ भी बोला होता एक बार अगर आपको यू और ए पता चल गया तो आप इजीली किसी भी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो हम फटाफट से ये इक्वेशन लगा देते हैं तो वी इक्वल्स टू बन जाएगा यू कितना है हमारा वन वन फाइव प्लस एसेलरेशन कितना है माइनस का फिफ्टीन और राइट एंड हमारे पास टी आया है दैट वुड बी द सेवन राइट उसको हम सेवन अप कर देंगे सेकेंड जस्ट अ सेकेंड उसको हम फटाफट से जो है सेवन अप कर देते हैं ठीक है अब हम क्या हम करेंगे सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं सो टेन मीटर पर सेकेंड वुड बी द फाइनल वेलोसिटी अब आप देख सकते हैं टेन सेंटीमीटर सॉरी नॉट मीटर इट शुड बी सेंटीमीटर राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो देखेंगे आपको अब आपको सिंपली पता चल रहा है सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन भाई टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड है अब आपको ध्यान में ये चीज बातें देखनी होंगी सबसे पहले तो कि जब कभी भी आपके पास इक्वेशंस आती हैं ठीक है ठीके? तो अगर कोई चीज़ इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं है सो डू नॉट पैनिक पहले तो उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करो जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस था टाइम था उसके अलावा कुछ भी नहीं था राइट तो आप ये सोच सकते थे कि हमारे पास क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नहीं है एक्सेलरेशन नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको ध्यान में रखना है बिकॉज हमारे पास दूसरा सिचुएशन भी गिवन है सो देयर कैन बी अ चांस कि हम लोग दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बना लें एंड देन वी सॉल्व फॉर दोज टू वैल्यूज अगर वो दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं देन नेक्स्ट द थिंग जिसका कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा राइट right? तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है और ऑलवेज चूज करेक्ट इक्वेशन राइट आपको पता होना चाहिए था यहां पे जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम में ही अगर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्र प्लस टू ए एस वाला इक्वेशन लगा देती ठीक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगा देती तो भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं था राइट right? बिकॉज आप यू देख सकते थे वी ए देख सकते थे लेकिन एस आपको गिवन है एंड फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है तो बेसिकली आपको क्या करना है आपको करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चूज़ करना है राइट right? आप इसे फटाफट से नोट कर लो एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर एट अब देखो क्या बोला जा रहा है वॉट इज द एसेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म विलॉसिटी ठीक है अब आपको बताना है यूनिफॉर्म विलॉसिटी पर कोई भी पार्टिकल का एसेलरेशन क्या होगा क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यूनिफॉर्म विलॉसिटी एंड ऑलवेज रिमेंबर कॉन्स्टेंट विलॉसिटी आप खुद से सोचो अगर कॉन्स्टेंट विलॉसिटी है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तब हम क्या बोलेंगे इसका मतलब होता है दैट एसेलरेशन इज़ इक्वल्स टू जीरो बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी चेंज ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा है पहले अगर फाइव मीटर पर सेकंड थी तो कुछ टाइम बाद भी फाइव मीटर पर सेकंड ही है ठीक है तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगी तो इट वुड बी जीरो राइट दैट्स वाई एसेलरेशन इज जीरो ठीक है तो इसलिए हम लोग सिंपल सिंपल इसको लिखने वाले हैं दैट एसेलरेशन इज जीरो ठीक है अब मैं आपको बता भी देती हूँ एग्जाम्पल से तो लेट लेट्स ले मान मान लीजिए फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलॉसिटी है ठीक है अब कुछ टाइम बाद लेते हैं आफ्टर फाइव सेकेंड्स ठीक है तो आफ्टर फाइव सेकेंड्स ठीक है ये तो है t इक्वल्स टू जीरो पे अब आफ्टर फाइव सेकेंड्स जो वेलोसिटी होगी बिकॉज वो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो चेंज नहीं होगी तो इट वुड बी अगेन फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड अब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो इट वुड बी हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल तो आई वुड बी राइटिंग फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव एंड दैट इज जीरो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन इज ज़ीरोट्स वाई आई ऑलवेज गेट एन इक्वल्स टू जीरो वेन एवर आई टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म विलोसिटी और राइट अब हम क्या करते हैं सीधे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर नाइन और ये है ग्राफ का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक है आप लोग इसे बहुत ईजीली समझ सकते हो और कोई भी बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है कोई भी बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है ठीक है फटाफट से इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे चलिए मैं ही थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ अभी आप देखो एक्सिलेशन का जो ग्राफ है ठीक है वो कुछ इस तरीके से है ठीक है इस तरीके से है एंड यहाँ पर है टी अब मैं आपको एक बात बताती हूँ लेट से इसका वैल्यू यहाँ पे ए ही है अब अब मैं आपको बात बताती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है मतलब इस इंटरवल तक यू कैन से यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एसेलरेशन कॉन्स्टेंट है एसेलरेशन का कांस्टेंट होने का मतलब कब कब हमको एसेलरेशन uh, कांस्टेंट मिलता है एसेलरेशन हमें कांस्टेंट तभी मिलता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही हो राइट right? इसका मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होगी जो है कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही हो राइट right. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वो ए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी लाइक दिस बिल्कुल कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन और इस बिल्कुल सही बात है यहां पर एसेलरेशन कांस्टेंट होगा अगर मैं यहां पे छोटा सा वीटी ग्राफ बना दू राइट right? तो आई वुड बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन और ये मैं बता सकती हूँ बिकॉज द स्लोप इज कॉन्स्टेंट देन आई कैन से इज सेन्स्टेंट तो ये वाला जो पहला ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा देन आप देखो यहां पर आप देख सकते हो दैट एसेन इज जीरो जीरोन जीरो कब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी राइट जब एसिल मतलब जब आप खुद से सोचे जब वेलोसिटी कुछ इस तरीके की कांस्टेंट हो जाएगी तब हमको पता चलेगा दैट देयर इज नो एसेलरेशन एसेलरेशन इज जीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट राइट एंड नेक्स्ट यू कैन सी अगेन दैट वैल्यू देन आई कैन डेफिनेटली से दैट इट विल अगेन यू कैन से वापस से जो है उसको एक वापस से स्लोप मिल जाएगा राइट right? कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा तो आप इसमें कौन सा देख सकते हो कि भाई कौन सा जो ग्राफ है हमको इसमें सही मिल रहा है देखो ध्यान से देखो जो uh, ग्राफ्स हैं वो हम uh, चलो इन सबसे ही देख लेते हैं देखो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो पूरे यहाँ इस इंटरवल तक आई कैन सी ए कॉन्स्टेंट रेट तो यहाँ पे मैं बोलूँगी ठीक है ए इज कॉन्स्टेंट ए इज कॉन्स्टेंट टोटली हम लोग बोल सकते हैं और राइट बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है वो ये दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो पार्ट है वहाँ पर बिकॉज द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और वी कैन सी द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट तो वी कैन सी हर द इज ज़ीरो अगैन वी आर गेटिंग अ वैल्यू एंड यू एज यू कैन से जो कि मैं बिल्कुल ऐसे मेजर कर सकती हूँ दैट दिस इज अ सेम स्लो देशम स्लो तो आई कैन से इट वुल बी अगैन अ कॉन्स्टेंट एंड इट वुल बी सेम एज दिस कॉन्स्टेंट बिकॉज देर इज कॉन्स्टेंट स्लो नॉलेज टॉक अबाउट दिस अगर मैं यहाँ पे स्लोप को देखती हूँ ठीक है इस स्लोप को अगर मैं देखती हूँ तो ठीक है ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमें मिल रहा है अगर मैं इसकी बात करती हूँ दैट विलोसिटी इज़ जीरो है और राइट right. और इतना वेलोसिटी होने के बाद अचानक से ड्रॉप हो जाना वेलोसिटी टोटली बहुत ही यू कैन से इम्पॉसिबल राइट तो दिस वुड नॉट बी द करेक्ट वन और राइट फिर हम देखते हैं यहाँ पर एज यू कैन सी हर कि यहाँ पर तो ए बराबर कॉन्स्टेंट है पॉजिटिव बट एज यू कैन सी दिस इज द नेगेटिव वन और राइट दिस इज नी ए बराबर माइनस का कॉन्स्टेंट बिकॉज एज यू कैन सी द स्लोप इज नेगेटिव राइट इसकी बात कर सकते हैं तो देर इज नो अ पॉइंट जिसमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी शो हो रहा है यहाँ पे वो ऐसा कोई ग्राफ ही नहीं है तो बेसिकली हमारा ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन और राइट एंड देट्स हाउ वी आर गोइंग टू फिगर आउट एवरी सिंगल टाइम वेन एवर वी गॉट कि भाई कभी भी हमें एसिलेशन से वेलॉसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो हाउ वी शुड डू दैट

चलिए तो अब हम इसको जो है पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं ठीक है ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है हो सकता है कई बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन में देखो एक तरीके से मैं इसे डिफिकल्ट सिर्फ इस वजह से बोल रही हूँ दैट इट इज लेंदी ऑलराइट एंड इट हैज़ अ हाई चांस दैट ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है और राइट एंड क्योंकि इसमें लगने वाले इक्वेशंस एंड ऑल सज थिंग्स आर सो मच इजी सो बेसिकली इट इज़ इन द इजी एंड हार्ड कैटेगरी बिकॉज ऑफ इट्स लेंदीनेस एंड बिकॉज ऑफ इट्स यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट साइंस आप बोलेंगे ये क्या डिफरेंट सी इक्वेशन है राइट right? तो इसी की वजह से जो है इसको हार्ड बोला जा सकता है अब मैं आपको बताती हूँ कैसे जो है इस क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेज एट अ रेट अल्फा फ्रॉम जीरो टू वी और राइट सो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो देयर इज़ अ जर्नी है ना ये एक जर्नी है और यहाँ से क्या हुआ जीरो से लेट्स से स्पीड एंड ग्राफ की अगर बात हो रही है ठीक है लेट्स मेक अ स्पीड ग्राफ सो दिस वुड बी द स्पीड एंड दिस वुड बी द टाइम ठीक है आई शुड नॉट राइट एस आई शुड राइट वी और राइट दिस वुड बी द वी अब आप देखेंगे कि भाई जो स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस कर रही है वो अल्फा रेट पे कर रही है यानी द इज दैट इज अल्फा राइट तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे एसिलरेशन बराबर अल्फा हो गया है ऑल right, और वो कहाँ तक इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीज हो रही है जीरो से वी तक ऑल राइट इट इज क्लियर राइट अब देखो एंड देन रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एन इंटरवल अब कुछ इंटरवल तक वो हो गई है रिमेन कॉन्स्टेंट राइट देन एंड फाइनली डिक्रीजेस टू जीरो कॉन्सेंट्रेट बीटा अब ये वापस जो है डिक्रीज हो गई है कांस्टेंट रेट यानी कि यहाँ पे ए बराबर हो गया है माइनस का बीटा बिकॉज नेगेटिव एसिलेशन राइट डिक्रीज हो रही है स्पीड और क्योंकि वापस से भी जीरो पे आ गई है सो आई कैन मेक दिस टाइप ऑफ ग्राफ ठीक है इफ़ एल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देन द टोटल टाइम टेकन एज अब हमको बोला है L अगर टोटल डिस्टेंस हो तो तो कितना टोटल टाइम होगा तो देखो हम टाइम एंड टेबल कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट के लिए राइट right? हम इस इंटरवल के लिए अलग करेंगे लेट्स मेक इट फर्स्ट इंटरवल ठीक है दिस इज द फर्स्ट इंटरवल एंड लेट्स मेक इट देंड वन दिस इज द देंड इंटरवल एंड दिस इज द थर्ड इंटरवल अब अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ ठीक है फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी हयर द इनिशियल वेलासिटी इज ज़ीरो एसिलेशन इज अल्फा राइट एंड फाइनलिटी इज वी राइट सो आई कैन कैलकुलेट टाइम राइट आई कैन कैलकुलेट ऑब्सली करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे यहां पर रखेंगे तो right. right. so ये टी वन हो गया है ठीक है अब यहाँ पे मैं टी वन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ एंड दैट इज़ वी अपॉन अल्फा ठीक है दिस इज द टी वन ऑल राइट इसको इक्वेशन मार्क कर दो इसी के साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस टू बिकॉज हमें टोटल डिस्टेंस तो एल दिया हुआ है राइट right? पर हमें यह नहीं पता कि इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है तो लेट्स डू दैट हम पहला जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं वो हम करेंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से ठीक है हाफ एटी स्क्वायर सो लेट्स डू देट जो टी है वो तो टी वन है राइट बट एसिले ये पूरा इनिशियल वेलॉसिटी जीरो है तो इट वुड बिकम जीरो तो वी कैन राइट एस वन इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ अल्फा और टी वन का स्क्वायर टी वन का स्क्वायर यानी इस वैल्यू का स्क्वायर राइट तो इसका मतलब वी स्क्वायर अपॉन अल्फा का स्क्वायर ठीक है अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फ़ा ठीक है तो देखो हमें पहला वाला टाइम इंटरवल मिल गया है हमें पहला वाला डिस्टेंस मिल गया है फर्स्ट इंटरवल के लिए राइट जब स्पीड इंक्रीज हो रही थी जीरो टू वी तक पहुंच रही थी सो वी कैन डेफिनेटली राइट एस वन इक्वल्स टू हाउ मच वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फ़ा इसको जो है आप फटाफट से इक्वेशन नंबर टू मार्क कर दो इसी तरीके से क्योंकि ये जो बिल्कुल चीजें हैं वो एज इट इज सिमिलर हैं हमारे थर्ड इंटरवल में राइट right? तो हम लोग क्या करेंगे थर्ड इंटरवल का पहले कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है सो थर्ड इंटरवल के लिए अगर हम देख लेते हैं तो यहां पे क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इज वी ठीक है इनिशियल वेलोसिटी इज वी फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एसेलरेशन इज माइनस का बीटा ठीक है और अब हमें सिंपल v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगा देना है सो so, v का वैल्यू जीरो u का वैल्यू v एंड दैट इज टी थ्री प्लस माइनस का बीटा t3 अब ये वहां चला जाएगा इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा तो इट वुड बिकम पॉजिटिव एंड वी विल गेट t3 इक्वल्स टू v अपॉन बीटा है ना ये हमको टी थ्री मिल जाएगा एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर थ्री इसी तरीके से हम इसका डिस्टेंस भी निकाल लेंगे ठीक है तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं एस थ्री की बात करूँ तो एस थ्री को वी वी नो कि भाई यहाँ पर वी कैन से वी स्क्वायर इक्व टू यू स्क्वायेर प्लस टू एस से निकाल लेते हैं ठीक है उससे ज़्यादा ईजी रहेगा सो लेट इज डू दैट ठीक है यहां पर हम टी थ्री अगैन इसको देख रहे हैं तो यहां पे हम वापस से जो है लिखने वाले हैं लिख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यहां पे हम लोग सिंपली जो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वेर प्लस टू है एस से हम एस थ्री निकाल रहे हैं ठीक है वी स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज जीरो यू स्क्वायेर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर तो वी आर राइटिंग जीरो इक्वल्स टू वी स्क्वेयर राइट माइनस का टू बीटा एंड दिस इज दी एस थ्री राइट सो एस थ्री हमें क्या मिल जाएगा एस थ्री हमें मिल जाएगा वी स्क्वेर अपॉन टू बीटा ठीक है तो ये हमें इक्वेशन नंबर फोर मिल गई है रिमेंबर दीज फोर इक्वेशंस हमने कुछ भी नहीं किया है हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है राइट right? और उसके बाद हमने सिर्फ और एस का वैल्यू निकाला है राइट right? uh, तीन इंटरवल्स में हमने पूरी जर्नी को डिवाइड मल्टी डिवाइड किया है डेफिनेटली राइट right? तो तीनों जर्नी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस लगा के डिफरेंट सेट पैटर्न में इसको कैलकुलेट करेंगे नाउ यू मस्ट नोट डाउन ऑल द फोर इक्वेशन एंड देन आई आर गोइंग टू चेंज द पेज और एट ऑल यू कैन सी द स्लाइड सो वी कैन राइट वेरी मच इजीली तो आप पहले इसको तो नोट करो चलो ये चारों इक्वेश्स आप लोगों ने समझ ली राइट अब हम देखते हैं आगे कि अब हमें क्या करना है अब हमारे पास क्या मिल गया है हमें लेट मी टेल यू अगैन अब हमें क्या क्या मिल चुका है हमें फर्स्ट जर्नी का टाइम मिल गया है ठीक है ये लेट मी राइट है फर्स्ट जर्नी का टाइम मिल गया है ठीक है एंड दैट वॉज वॉट वी अपॉन अल्फा राइट तो वो वी अपॉन अल्फा था ठीक है फिर हमें इसी का जो एस वन मिल चुका है वो क्या था वी स्क्वा अपॉन 2 अल्फा ठीक है सेकेंड वाला की हम बात बाद में करते हैं थर्ड वाले की बात करते हैं थर्ड वाले में हमें टी थ्री जो मिला था वो मिला है तो वी अपॉन बीटा राइट राइट इट लेट मी सेदर इट वॉज टी थ्री वी अपॉन बीटा राइट एंड नेक्स्ट इज हमको मिला था एस थ्री दैट इज वी अपॉन टू बीटा अब तो मुझे बताओ अगर हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो एल दिया हुआ था राइट right? हमें टोटल डिस्टेंस एल दिया हुआ था तो आप देख सकते हैं कि ये है एस वन ठीक है ये एरिया एस वन ये एरिया एस थ्री ये एरिया एस टू अगर मुझे इस पूरे जर्नी में कांस्टेंट वाले का अगर डिस्टेंस निकालना है कैलकुलेट करना है तो मैं टोटल एल में से माइनस कर दूँ ये और ये कर सकते हैं ऐसा इजीली राइट तो आई कैन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ठीक है आई कैन कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ कॉन्स्टेंट विलॉसिटी मतलब कॉन्स्टेंट विलॉसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट ऑल राइट और वो मुझे कैसे मिलेगा टोटल डिस्टेंस जो कि एल दिया हुआ था माइनस पहले वाला जो डिस्टेंस है दैट इज दिस वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा ऑलराइट और जो एस थ्री है इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं राइट right? और यू कैन से लाइक दिस इस भी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं अगर मैं ये कर दूं तो डेफिनेटली यू कैन गेट दी एस अपने आप तुम्हें एस मिल जाएगा राइट right? ये वाला जो एरिया है मतलब यू कैन से ये वाला जो डिस्टेंस है एस टू यानी जब कॉन्स्टेंट विलॉसिटी से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो आपको कैसे कैलकुलेट करने मिलेगा वो आपको मिलेगा टोटल एरिया माइनस यू कैन से टोटल डिस्टेंस माइनस जो पहला वाला इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो थर्ड वाले इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से माइनस कर दो यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस ट्रैवल इन दी सेकेंड इंटरवल दैट इज द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वाला इंटरवल राइट right? तो हमें इस तरीके से वैल्यू मिल सकता है अब अगर मुझे इसका टाइम बताना है कि भाई कितने टाइम तक ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन चली थी सिंपल मुझे पता है वी उसका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है राइट right? तो आई कैन राइट कि भाई मुझे इस टाइम में टी टू निकालना है तो आई वुड बी राइटिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड तो आई कैन राइट आई कैन डेफिनेटली राइट वी स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा मैंने क्या किया है सिंपली वी स्क्वायर और टू को बाहर ले लिया है कॉमन ले लिया है

for the journey हमारा मेन नेम क्या था टाइम को कैलकुलेट करना राइट right? तो बेसिकली हमने क्या किया पहले वाले इंटरवल में टाइम और डिस्टेंस देख लिया दूसरे वाले इंटरवल में टाइम और डिस्टेंस देख लिया अब मुझे तीसरे वाले का कुछ पता नहीं चल रहा बिकॉज़ कांस्टेंट वेलोसिटी है ना तो मुझे डिस्टेंस पता है ना मुझे टाइम पता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ यूज किया और वो क्या था टोटल डिस्टेंस जो गिवन था जो कि l हमको गिवन था राइट right? इस एल में से अगर मैं इस पहले वाला इंटरवल यानी S1 और S3 को माइनस कर दूं तो आई विल बी गेटिंग द S2 राइट right? तो सिंपल इजी है S2 माइनस कर दो अब अगर तुम्हें स्पीड पता चल गया है दैट इज कांस्टेंट V राइट right? अब तुम्हें डिस्टेंस अगर पता चल चुका है तो तुम टाइम भी इजीली निकाल लोगे राइट right? तो हमने सिंपली टाइम निकाल लिया सिंपल वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं तीनों को ऐड कर रहे हैं सो टी वन टोटल टाइम जो है वो टी है तो इट वुड बी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और राइट टी वन कितना है वी अपॉन अल्फा टी थ्री कितना है वी अपॉन बी टी टू पहले लिखते हैं ना अपन तो टी टू क्या है टी टू देखेंगे टी टू है एल माइनस वी स्क्वेर बाई टू वन प्लस अल्फ़ा प्लस वन प्लस बीटा डिवाइडेड बाई वी प्लस टी थ्री टी थ्री है वी अपॉन बीटा तो वी विल बी राइटिंग वी अपॉन बीटा v अपॉन अल्फा so पहले अब देखो यहाँ ध्यान से ये जो v है जो हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है ये वाला v इस l के साथ भी जाएगा डिवाइड होगा डेफिनेटली बात है और ये जो v है ये इसको भी पूरे को पूरे को डिवाइड करेगा राइट तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट करने पे मुझे क्या मिलेगा l बाय वी मिल जाएगा ठीक है माइनस का v से v कैंसिल हो जाएगा तो आई वुड बी गेटिंग v बाय टू ठीक है वन प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा ये चीज़ मुझे मिल जाएगी राइट और उसके बाद एक हमारे पास टी थ्री बचेगा वी अपॉन बीटा अब आप एक बात ध्यान दो v अपॉन अल्फा ठीक है और अगर इस v को मैं अंदर लेके जाऊंगी तो आई वुड बी गेटिंग v अपॉन अल्फ़ा डेफिनेट सी बात है या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो v अपॉन अल्फा और v अपॉन बीटा इन दोनों में v कॉमन आ रहा है बाहर ले लो अंदर कौन बचेगा वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा और इसमें भी यही बच रहा है राइट right? तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं तो लेट्स डू दैट ये वाला जो फर्स्ट कॉमन टर्म है और जो लास्ट है इसमें से वी हम कॉमन निकाल देते हैं कैलकुलेट कर देते हैं और ये L बाई वी पहले ही लिख देते हैं ठीक है L बाई वी के बाद हम ये दोनों कॉमन निकाल के लिख रहे हैं दैट इज V वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा अब हम ये वापस माइनस वाला टर्म पूरा लिख रहे हैं माइनस का V बाई टू वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा अब आप एक ध्यान से देखो इस बात को V मल्टीप्लाई में हो रहा है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस का वी बाई टू वन अपॉइन अल्फा प्लस के अंदर का वैल्यू सेम राइट ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू सेम है बाहर कौन है वी है और माइनस का वी बाई टू है अगर तुम एक v में से माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा वी बाई टू राइट और प्लस का वो भी डेफिनेटली बात है अगर तुम वन वी में से वी बाय टू माइनस कर रहे हो सो यू वुड बी गेटिंग वॉट वी बाई टू प्लस का वी बाई टू राइट ठीक है तो हम लोग सिंपली इसको सिंपली लिख सकते हैं राइट है ठीक है कि जो अब टाइम जो तुम्हें मिलने वाला है वो ये हो जाएगा एल बाय वी प्लस वी बाय टू और राइट वन प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा दैट्स इट दैट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब अब देखो एल अपॉन वी प्लस वी बाय टू वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा लेट्स मैच इट इज विद आवर आंसर्स तो देखो एल बाय वी एल बाई वी एल बाई वी एल बाई वी और राइट सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है ठीक है अब देखो हमें चाहिए सेकेंड वी बाय टू वी बाय टू वेरी गुड ये मैच हो रहा है ठीक है वी बाय ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा तो बेसिकली ए इज दी करेक्ट आंसर जहाँ पर हमें जो है ये अपॉन में है जहाँ पर हमें क्या मिलेगा एलअपॉन वी प्लस वी अपॉन टू वन अपॉइन अल्फ़ा प्लस वन अपॉइन बी सो दैट इज द करेक्ट आंसर अब हमको यहाँ पे मेनली करना क्या था मैं आपको फिर से एक रिकैप दे देती हूँ उस पूरे क्वेश्चन का रिकैप दे देती हूँ दैट वट यू नीड टू डू एग्जैक्टली आपको क्या करना था आपको टोटल टाइम कैलकुलेट करना था होल जर्नी के लिए अब वो जर्नी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है पहली में स्पीड इंक्रीज हो रही है जीरो टू बी जा रही है एक कॉन्स्टेंट रेट यानी कि एक्सिलरेशन अल्फा से फिर वो हो जाती है कॉन्स्टेंट कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम का आता पता नहीं है ठीक है थर्ड फिर वो डिक्रीज हो जाती है उसका स्पीड और वो माइनस बीटा एक्सेलेशन से हो जाती है इन तीनों ही केसेस के अंदर मुझे अगर टोटल टाइम निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा तीनों का टाइम अलग अलग निकालना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट ठीक है ये हमको सिंपली करना था पहले वाला जो केस था उसके अंदर हम टाइम निकाल सकते थे यूजिंग द इक्वेश ऑफ मोशन एंड वी डिड दैट राइट हमने उसके लिए स्पीड भी निकाली हमने उसके लिए टाइम भी निकाला और डिस्टेंस भी निकाला सेकेंड वाला केस क्योंकि दोनों ही चीज़ें अननोन है एक तो हमें सिर्फ यही बात पता है कि सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है हमको ना तो टाइम के बारे में पता है कि भाई कितने टाइम तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना ही हमें डिस्टेंस के बारे में पता है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है राइट अब हम जो थर्ड बात हम लोग देख रहे हैं थर्ड इंटरवल उसके अंदर भी हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस राइट अब देखो टाइम और डिस्टेंस अगर हमें मिल जाता है थर्ड इंटरवल के लिए तो सेकेंड इंटरवल के लिए निकालना बहुत ईजी हो जाएगा क्यों क्योंकि अब वहाँ पे हमको पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं फर्स्ट इंटरवल का डिस्टेंस और थर्ड इंटरवल का डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर दूँ आई वुड बी गेटिंग द सेकेंड इंटरवल का डिस्टेंस राइट तो उस वक्त हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अब क्योंकि हमारे सेकेंड जो है हमें डिस्टेंस मिल चुका है तो हम उसको ईजिली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पहले से पता था हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए था ताकि हम टाइम निकाल लें और जब हमारे पास टाइम आ गया एट ऑल द टाइम्स एंड यू गेट फॉर द फाइनल टाइम राइट तो ये इक्वेशन जो यू कैन से ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम टेकिंग है और जनरली इसको सॉल्व करते करते ही जो है सिली मिस्टेक uh, का जो uh, आने का चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से इसको हार्ड बोल दिया जाता है राइट right? बेसिकली इसमें कौन सी इक्वेशन लगी इक्वेश्स ऑफ मोशन बस और कुछ भी नहीं लगा तो देट्स हाउ यू आर गोइंग टू डील विद ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सभी के सभी आपको हेल्प करेंगे आपके जो एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में किस कितनी भी हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो आप उसको ईजिली टुकड़ों में तोड़कर पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको डील कर सकते हो राइट right? आप उसके अंदर इक्वेशन पुटअप कर सकते हो आप जान सकते हो भाई कौन सी इक्वेशन लगानी है कौन से नहीं लगानी यू कैन डेफिनेटली नो दैट

और right, जो हमने इस पूरे क्लास को हमने जो है सॉल्व पढ़ा है जब तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट अगर आपको ऐसा नीड लगता है तो राइट right? कोई ज़रूरी नहीं है वैसे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड डू मोर एंड मोर क्वेश्चन राइट सो दैट यू कैन बिकम वेरी मच गुड इन इक्वेशन्स ऑफ मोशन पार्ट राइट सो थैंक यू सो मच